उत्तर प्रदेश विशेष पर चल रही हमारी इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में हुए आंदोलनों वाली श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारे आज के इस वीडियो का विषय है चिपको आंदोलन, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन उस समय के चमोली क्षेत्र, जो कि आज उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, वहां से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण बचाव आंदोलन था, जिसने न सिर्फ भारत देश में बल्कि पूरे विश्व की बड़ी बड़ी मैगजीन्स और अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर अपनी जगह बनाई थी। यह एक सत्याग्रह पर आधारित और गैर हिंसात्मक आंदोलन था। दरअसल हुआ यूं कि उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में बड़ी तेजी से वृक्षों की कटाई हो रही थी, जिसके चलते अलकनंदा नदी के किनारे 1970 में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई। लैंडस्लाइड, भूमि का कटाव, जमीन का धसना आदि सामान्य बात हो गई थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई सिविल प्रोजेक्ट्स के चलते यहाँ की जैव विविधता, विशेषकर पेड़ पौधों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा था, जिसके चलते जंगल खत्म हो रहे थे। इस आंदोलन में उस क्षेत्र के लोग सामने आए और सरकार की इस मनमानी और लापरवाही भरे नजरिए का विरोध करने लगे। कई पिटीशन और प्रार्थना पत्रों से जब काम न चला तो लोग झुंड बनाकर पेड़ों से चिपक कर उनकी कटाई का विरोध करने लगे। इसी कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें गौरा देवी, सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, विरूक्षा देवी आदि महिलाओं का नाम आता है। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अहिंसात्मक तरीके से किया और 1973 में शुरू हुए इस आंदोलन ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चालू कर दिया। 1974 में चमोली जिले के एक गांव रेनी में कुछ महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उनकी कटाई का विरोध किया। तब इस आंदोलन ने बहुत सुर्खियां बटोरी। भारत ही नहीं, विश्व में इस आंदोलन से प्रेरित कई ऐसे आंदोलन चले जिनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का था। जैसे भारत में ही चिपको आंदोलन की तर्ज पर एपिको आंदोलन चलाया गया। एपिको आंदोलन को 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कलासी वनों से चलाया गया और इसका उद्देश्य भी चिपको आंदोलन की ही तरह था। हालांकि चिपको आंदोलन से पहले भी भारत में एक और इससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिला है और कई लोग चिपको आंदोलन को वहीं से प्रेरित भी मानते हैं। बात लगभग 1730 के आसपास की है, जब राजस्थान में खेजरी के हरे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों से चिपक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी जी ने किया था। आज भी जब कहीं पर्यावरण से संबंधित किसी आंदोलन का जिक्र होता है तो चिपको आंदोलन का नाम प्रमुखता से आता है। इस आंदोलन ने सरकार को भी पर्यावरण के प्रति सजग बनाने का काम किया, जिसके बाद सरकार ने कई ठोस कदम इस दिशा में बढ़ाए। जैसे सरकार ने 15 सालों के लिए उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र से पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इसी के बाद 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पारित कर पेड़ों की कटाई को रेगुलेट किया और उन्हें संरक्षण देने का काम शुरू किया। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।